आपको मतलब पहले दिन से यहाँ पर आकर कैसा लगा, जो पहले दिन आए थे और अब लगा आप कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा सर। पहले दिन तो सोच रहे थे कि सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा, जब आप यहाँ आने से पहले, और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब अच्छा, अपने दिल से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं, पहले कंपोनेंट का नॉलेज। अच्छा, मैं स्पीकर की बात करूं, अगर एक आपको कोई भी मोबाइल दे दूं 3 दिनों के अंदर, और आपको बोलूं कि इस मोबाइल के स्पीकर का पूरा सर्किट खींचो बिना सर्किट डायग्राम के, आप लोग बताइए 3 दिन के अंदर कौन कौन खींच सकता है मोबाइल में सर्किट? मतलब आप सर्किट, ये तो मजाक हो रहा है भाई, लोग बोलेंगे कि सर ने सबको पैसे दिए है। नहीं ना, हमने किया हुआ है बताओ, हमने किया हुआ है सर, सर्किट डायग्राम क्रिएट करके हमने किया, अगर टिप नहीं है तो हम बनाएंगे सर, उसी कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पर मतलब जो आपने सोचा था वो आपको मिला यहाँ पर? उससे ज्यादा मिला यहाँ पर। और ये भी सीखा है कि कौन सा कंपोनेंट सीरीज सर्किट में पैरेलल लगा होता है, कौन सा सीरीज लगा होता है, तो जिसको हम बैटरी का पूरा कनेक्टर उखड़ने पर भी हम चालू कर सकते हैं, और बैटरी एरर या लो टेम्परेचर आने पर उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कितना टाइमिंग देते हो आप यहाँ पर, यहाँ क्लास में कितना टाइमिंग आती है? 8 से 9 घंटे टोटली टाइमिंग लगता है। और रात में? रात में 9 बजे से 12 बजे। तो रात में कौन पढ़ाने आते हैं आपको? राइट सर आते हैं 10 बजे से 1 बजे तक। राजेश सर को बुलाओ। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। मेरे साथ में है 28 फरवरी का बैच। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, उससे पहले जो हमारा 3 दिन का आउटपुट है, अभी हमें कितने दिन हुए यहाँ पर? 3 दिन सर। कितने दिन हुए हमें यहाँ पर? 3 दिन हुए ना हमें यहाँ पर। तो 3 दिन का आउटपुट की आपने यहाँ पे 3 दिन में क्या क्या सीखा, अभी हम उसका आउटपुट निकालेंगे। और यहाँ पर मेरे सारे जो सब्सक्राइबर है और जो बाकी स्टूडेंट देख रहे हैं और जो बाकी लोग देख रहे हैं, उनको हम बताएंगे कि हम 3 दिन में कितना सीखे यहाँ पर, प्रैक्टिकली और थ्योरी हमने कितना सीखा। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? पवन राय। पवन राय, पवन राय तुम कहाँ से आए हो? बॉम्बे से सर। बॉम्बे से आए हो और यहाँ पर अच्छा, मुझे मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ, उसके बाद में हम पूछूंगा कैसा लग रहा है। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के सर। बताओ कौन कौन से? नॉर्मल रजिस्टर, बोर्ड रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर और पैकेज रजिस्टर, डुअल रजिस्टर। अच्छा ये बता दो कि रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर सर करंट को रोकता है। करंट को रोकता है, कौन से रजिस्टर को जंपर नहीं मार सकते? 100 से कम। और उसके साथ फ्यूज रजिस्टर को नहीं मार सकते? और उसके साथ कोड रजिस्टर, कोड रजिस्टर को नहीं मार सकते। फ्यूज रजिस्टर कहाँ लगा मिल सकता है? स्पीकर सेक्शन में, चप्पल के जैसे। और अगर कोड रजिस्टर कहाँ लगा मिल सकता है? कोड रजिस्टर चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में। अगर मुझे बताओ कि जो रजिस्टर है और अगर एक वो पैरेलल लगा हुआ है तो वो कितने ओम्स का होगा, कितना हाई वैल्यू होगा कि लो वैल्यू होगा? हाई वैल्यू रहेगा। हाई वैल्यू का वीडीआर क्या होता है बताइए? वीडीआर सर बीएसआई के कनेक्टर में लगता है, पैरेलल में लग रहा है, पैरेलल में लगा होता है। वीडीआर क्या का, वीडीआर क्या होता है सर? वीडीआर में अगर हाई वोल्टेज करंट आएगा तो वो उसको कम करके अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और वोल्टेज कम कर देगा। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर, थर्मिस्टर में सेम वीडीआर के जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर अगर आईसी से टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो उसको सेंस करके बिल्कुल अपना जो रेजिस्टेंस है पावर है उसको कम कर देता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है और ताकि वो वोल्टेज जाना क्या हो जाए, बंद हो जाए। यहाँ पर रजिस्टर, रजिस्टर की चेकिंग क्या होगी? 100 ओम से कम रहेगा तो दोनों तरफ बीप देगा सर। बिल्कुल। और 100 ओम से ऊपर रहेगा सर तो बीप। रजिस्टर शॉर्ट होते हैं? नहीं सर। रजिस्टर शॉर्ट होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते। अब तक तो यही सीख रहे हैं भाई, रजिस्टर शॉर्ट होते हैं, बहुत से लोग तो रजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं आपको यहाँ पे इन 3 दिनों में कैसा लगा, यहाँ पे सब प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? लिखवा तो नहीं रहा हूँ? नहीं सर। यहाँ पर अरे तो बिल्कुल वैसा आर्मी वाला जैसा बोल रहा है यहाँ पर। चलो दिल से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, दिल से एकदम। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा सर। मतलब जो सोच के आए थे पहले दिन में और अब में क्या थोड़ा फील करते हो? बहुत अच्छा फील करते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए यहाँ पर। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ, आप कहाँ से आए मोहम्मद? मैं सर मुंबई से। मुंबई से आए, आप लोग साथ में आए हो क्या? नहीं सर, नहीं, अलग अलग आए हो। मोहम्मद आप ये बताइए, इन्होंने जो भी रजिस्टर के बारे में बताया सही बताया कि नहीं बताया? अगर मैं आपसे पूछूं डायोड, डायोड कितने प्रकार के होंगे जो मोबाइल फोन में लगे होंगे? सर डायोड 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? सर एक नॉर्मल डायोड, एक जीनो डायोड और एक एलईडी डायोड। अगर मैं बात करूं नॉर्मल डायोड हमारे फोन में किस प्रकार के 2 कनेक्शन में लगा होता है, किस तरह के 2 कनेक्शन में लगा होता है? सर वो सीरीज में भी हो सकता और पैरेलल में भी हो सकता। आप सबको सीरीज और पैरेलल का नॉलेज है? यस सर। जिन जिन को सीरीज और पैरेलल चेक करना आता है हाथ उठाओ। So, सभी को सीरीज और पैरेलल चेक करना आता है, वेरी गुड। अच्छा मैं डायोड की बात करता हूँ कि डायोड अगर पैरेलल लगा है तो क्या काम करता है?
अगर सर डायोड पैरेलल लगा हो तो प्रोटेक्शन का काम करता है और उसका एक सिरा जो है ग्राउंड से होता है, प्लस में होता है और माइनस में सप्लाई में होता है। तो ये सही बताया कि नहीं बताया इन्होंने? अगर मैं बताऊं डायोड जो पैरेलल वाला डायोड है प्रोटेक्शन के लिए कहां कहां लगे होते हैं? हर जगह हर जगह लगे होते हैं। ये आपने चेक किया था कि नहीं किया था? अगर मैं बोलूं डायोड सीरीज में कहां कहां लगे मिलेंगे? सर डिस्प्ले सेक्शन में मिल सकते हैं। डिस्प्ले सेक्शन मतलब वो जो आपके लाइट सेक्शन में, और डायोड सीरीज में कहां कहां आपको मिलेंगे? यहां पर चार्जिंग सेक्शन में कहां दे लेंगे आपको? चार्जिंग सेक्शन में आपको डायोड सीरीज कनेक्शन में मिलेंगे। एक डायोड का काम क्या होता है? सर एक डायोड का काम ये होता है कि एक जगह से डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम प्रोटेक्शन का होता है। प्रोटेक्शन अगर पैरेलल लगा दिया जाए और अगर उसको सीरीज में लगा दिया जाए तो एसी से डीसी कन्वर्ट करना। मतलब डायोड का काम सर सिर्फ ये नहीं होता है कि लगा दिया जाए, डायोड का काम तो उसके लगाने के अनुसार, उसके लगाने के डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है और किस सेक्शन में किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर डायोड की चेकिंग बताइए। सर डायोड की चेकिंग ये है कि एक तरफ सर रीडिंग आना चाहिए और दूसरी तरफ नहीं आना चाहिए। अच्छा आप सबसे पूछ रहा है डायोड को लीकेज कैसे चेक करते हैं, आपको बताया कि नहीं बताया? अगर डायोड को कैसे शॉर्ट हो जाए तो आपको बताया कि डायोड किस तरह से शॉर्ट होता है? चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? सर बहुत अच्छा लगा सर, जैसे सोचे थे उससे ज्यादा मिला सर। जैसे सोचे थे उससे ज्यादा मिले। सो आपको मतलब पहले दिन से यहाँ पर आकर कैसा लगा, जो पहले दिन आए थे और अब लगा आप कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा सर, पहले दिन तो सोच रहे थे कि सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ आने से पहले और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब अच्छा आप अपने दिल से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं, पहले कंपोनेंट का नॉलेज। अच्छा मैं स्पीकर की बात करूं, अगर एक आपको कोई भी मोबाइल दे दूं 3 दिनों के अंदर और आपको बोलूं कि इस मोबाइल के स्पीकर का पूरा सर्किट खींचो बिना सर्किट डायग्राम के, आप लोग बताइए 3 दिन के अंदर कौन कौन खींच सकता है मोबाइल में सर्किट? मतलब आप सर्किट, ये तो मजाक हो रहा है भाई, लोग बोलेंगे कि सर ने सबको पैसे दिए हैं। नहीं ना, हमने किया हुआ है बताओ, हमने किया हुआ है सर, सर्किट डायग्राम में क्रिएट करके हमने किया, अगर टिप नहीं है तो हम बनाएंगे सर, उसी कोई दिक्कत नहीं सर। और ये आईफोन लेवल तक, या आईफोन लेवल तक बनाएंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, चलो यहाँ पे बी बैट की बात करते हैं, बैटरी करेक्टर में बैटरी करेक्टर में कितनी सप्लाई होती है? तीन का एक तो फर्स्ट वी बैट आएगा 350 से 600 बीच में आएगा। हाँ ये आपने कोल्ड टेस्टिंग रेजिस्टेंस बता दिया, वेरी गुड। और दूसरा तो हमारा BSI होगा। और तीसरा तो आपका ग्राउंड होगा। अगर 4 पिन का कनेक्टर है तो कितना होगा, क्या क्या होगा? फर्स्ट वीबैट होगा, दूसरा BSI होगा, तीसरा ग्राउंड होगा और चौथा NC होगा। अगर मान लो ये तो सैमसंग की बात हो गई, अगर कोई नॉर्मल एंड्रॉइड में हुआ तो क्या होगा? वो सेम फर्स्ट वन वीबैट होगा, सेकंड BSI होगा, थर्ड और बीटेम होगा, लास्ट वन ग्राउंड होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आईफोन, आपने आईफोन 5 में मैंने आपको चेक करवाया, आईफोन 7 तक की आपको सप्लाई बताई, अगर मैं बताऊं आईफोन 4S में कितने पिन का कनेक्टर है? आईफोन 4S में 4 पिन का कनेक्टर होता है। 4 पिन का कनेक्टर होता है। आईफोन 5 में कितने पिन का कनेक्टर है? वो भी 4 पिन। उसमें सीरीज में BSI और BTM में सीरीज में क्या लगा है उसमें? BSI में देख तो रजिस्टर रहता है और कॉइल रहता है। कॉइल होता है सीरीज कनेक्शन में। बाकी आईफोन 5 में क्या है, कॉइल है कि रजिस्टर है? नहीं उसमें कॉइल है। कॉइल है। यहाँ पर आईफोन का बैटरी कनेक्टर पूरा निकल जावे, BSI का बैटरी एरर आया। अच्छा तो बताओ बैटरी एरर जिसको हाथ खड़ा करो, जिसको बैटरी एरर आता है, तो यहाँ पे बैटरी एरर हाथ खड़े कीजिए। बैटरी एरर क्या होता है, किसकी वजह से आता है यहाँ पर? BSI की वजह से आता है। चलिए आपका नाम क्या है? अब्दुल मना। अब्दुल मुझे ये बताओ कहाँ से आए हो? पंजाब से। अब्दुल ये बताओ कि अगर एक BSI का बैटरी एरर आ रहा है तो वो किसका फॉल्ट हो सकता है? लीकेज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। सो आपको ओपन कंडीशन, लीकेज कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन तीनों का नॉलेज है यहाँ पर? यहाँ पर कि ओपन कंडीशन हुआ तो कौन सा कंपोनेंट ढूंढना है, ये नॉलेज है कि नहीं है? ट्रेसिंग आपको बनाएगा यहाँ पर, ट्रेसिंग। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि कॉइल का कुछ प्रकार बताइए। नॉर्मल कॉइल, बूस्ट कॉइल, कपलर कॉइल। नॉर्मल कॉइल, बूस्ट कॉइल, कपलर। कपलर कॉइल भी बोल सकते उसको, कपलर। और एक और कौन सी कॉइल है? ड्यूअल कॉइल। चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा आपको, सच बताओ दिल से? जब मैं पहले दिन आया था तब तो लग रहा था कि होगा नहीं। हाँ जब धीरे धीरे पता चला कि हो जाएगा, मतलब जब 2 दिन आपने अटेंड किए तब हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो ये। सो आप बताओ कि जो कौन से कॉइल को जंपर नहीं मार सकते हैं? सर बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल को, और इसके अलावा कौन से कॉइल को जंपर नहीं मार सकते हैं? सर जंपर तो किसी कॉइल को नहीं मारना चाहिए। सर जो पैरेलल में लगी हुई हो। बिल्कुल, कौन से कॉइल को? जो पैरेलल में, जो पैरेलल में, क्योंकि कॉइलें भी पैरेलल में लगी होती है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कौन सी जो ड्यूअल कॉइल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ड्यूअल कॉइल हाँ सर डिस्प्ले सेक्शन में। डिस्प्ले सेक्शन में बिल्कुल, और कैमरा सेक्शन में, कीपैड,
स्पीकर स्पीकर सेक्शन में ड्यूल कॉल, हाँ वेरी गुड, स्पीकर सेक्शन में ड्यूल कॉल देखने को मिल सकती है। और आप बताओ यहाँ पर कौन से सेक्शन में आपको मिल सकती है? हाँ ड्यूल कॉल यूएसबी सेक्शन में, यूएसबी मतलब जो आपके डी प्लस और डी माइनस में। तो यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, हॉट टेस्टिंग क्या होती है, इसका नॉलेज है कि नहीं है आपको? यहाँ पर मेन टेस्टिंग यही होती है पूरे मोबाइल फोन में, क्योंकि इसी के ऊपर फिर क्या चलते हैं वोल्टेज, क्योंकि इसी के ऊपर क्या चलते हैं वोल्टेज। यहाँ पर तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पर मतलब जो आपने सोचा था वो आपको मिला यहाँ पर? उससे ज्यादा मिला यहाँ पर। चलिए थैंक यू वेरी मच, ताली बजाइए एक बार इनके लिए। मुझे ये बताओ कि एक ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। अच्छा ट्रांजिस्टर को चेक करना आता है? बिल्कुल। ट्रांजिस्टर को ये भी बता दोगे कि एनपी नहीं कि पीएनपी है? अरे बाहर आइए आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, एक एनपी नहीं एक पीएनपी है। सो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर ये बना हुआ है, ये बता दो एक एनपी नहीं कि पीएनपी है? चलो बताओ ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन है कि पीएनपी है? एनपीएन एनपीएन है। अच्छा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कितना कंफ्यूजन होता था, उनको ढूंढना उनको पहचानना, वो लीकेज है कि नहीं है, वो शॉर्ट है कि नहीं है, तो वो कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांजिस्टर कहाँ लगा मिल सकता है? कहाँ पे? चार्जिंग सेक्शन में। सो ये देखे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपना रिव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे बैटरी का। अच्छा आपने अब तक के कौन कौन सा सेक्शन किया है यहाँ पर खड़े होकर बताइए? स्पीकर सेक्शन किया है, चार्जिंग सेक्शन किया है, और फुल शॉट हाफ शॉट। फुल शॉट और हाफ शॉट मैंने आपको सिर्फ बताया है। अभी टूल सेक्शन किया है, वाटर डैमेज सेक्शन आपका हो गया। वाटर डैमेज मोबाइल में अब हमको कभी भी डायरेक्ट क्या नहीं करना है, काम क्लीनिंग नहीं करना है। रीजन आपको पता है ना? वेरी गुड। और हमने यहाँ पे बीबेट सेक्शन किया है, मतलब हमने बैटरी कनेक्टर सेक्शन किया। अगर बैटरी एरर आए तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, निकाल बना सकते हैं बैटरी एरर। तो हमने बैटरी एरर और टोटल कंपोनेंट हमने सीखे है, और ये भी सीखा है कि कौन सा कंपोनेंट सीरीज सर्किट में पैरेलल लगा होता है, कौन सा सीरीज लगा होता है। तो जिसको हम बैटरी का पूरा कनेक्टर उखड़ने पर भी हम चालू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, और बैटरी एरर या लो टेम्परेचर आने पर उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपने प्रैक्टिकल देखी है कि नहीं देखी है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका। और यही था दोस्तों मेरा 28 फरवरी का एक बैच आउटपुट, जिसमें मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया। बहुत सारी बातें करनी होती है, बहुत कुछ कहना होता है, पर बहुत कुछ कह नहीं पाते हैं। बहुत सारे कॉम्पोनेंट का नॉलेज, जैसे कि आपने इस वीडियो में देख रहे होंगे कि स्टूडेंट को 3 दिन का, अगर मैं बात करूं अब, जैसे कि नॉर्मली जब हम आप लोग देखते थे, जब आप लोग की यही 3 दिन का आउटपुट देखते कि नहीं देखते थे? कौन एक जन शेयर करना चाहता है कि यहाँ पर कि वो 3 दिन का आउटपुट जो देखते थे और लोग बोलते थे, तो अपन सोचते थे कि यार ये कैसे बोल पा रहा है 3 दिन के अंदर। यहाँ पर क्या बोलना चाहोगे एक जन बताओ? सर मैंने इससे पहले कहीं वो सीखा था, वहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग थे, तो वहाँ पर कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। मतलब वो मतलब बोर्ड में लिख लिख कर देते थे, और मतलब बोल देते थे कि ऐसे मतलब यहाँ से वहाँ होगा वहाँ से वहाँ होगा, पर कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो सर मैंने जब यहाँ पर सर एक दूसरे प्रैक्टिकल हुए सर। और यहाँ पर और भी आपने देखा कि 3 दिन के अंदर इतना सारा आपने जो व्यू देखा कि अब हमको लगता है कि हम 1 महीने में तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं तो 1 महीने आज 7 दिन में मोबाइल रिपेयरिंग सिखाऊंगा, मेरे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने कितना टाइमिंग देते हो आप यहाँ पर, यहाँ क्लास में कितना टाइमिंग आती है? 8 से 9 घंटे टोटली टाइमिंग लगता है। और रात में? रात में 9 बजे से 12 बजे। तो रात में कौन पढ़ाने आते हैं आपको? राजेश सर आते हैं 10 बजे से 1 बजे। राजेश सर को बुलाओ, राजेश राजेश सर के लिए एक बार तालियां हो जाए यार। राजेश सर के लिए कौन बोलना चाहेगा एक बार कुछ, अगर बोलना चाहो कि राजेश सर बोलो। राजेश सर बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। और कितने बजे आते हैं? आते हैं 9 बजे सर। और कितने बजे तक रहते हैं? 1 बजे। रात के 1 बजे पूरे इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ा रहा है? एशिया टेलीकॉम। चलिए ये तो एक अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ जुड़े रहिए, मिले रहिए। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आपको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते और एक जोर वाली आवाज में क्या बोलेंगे? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। वो जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा।
तो इधर आके सीखना सीख सकता है। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। अनाउंसिंग 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। Download mobile free repairing Android apps. Link in description.